तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं फिनियो मूवीज़ की वेब सीरीज़ के बारे में, जो बहुत मतलब पुरानी वेब सीरीज़ है। बहुत पहले मतलब ऐप शायद ये बंद हो गया है। इसका नाम है कसूर। इसमें प्रियंका उपाध्याय, अर्पिता पॉल एंड गौरव शर्मा की कहानी ये तीनों के इर्द गिर्द घूमने वाली है। और कहानी में हमें ये दिखाया गया है जो कि प्रियंका उपाध्याय है एंड उसकी मतलब उसको दीदी जैसा मानती है जो अर्पिता पॉल है। अर्पिता पॉल का एक बॉयफ्रेंड है, उसका नाम उसमें पूजा है। पूजा का मतलब जो बॉयफ्रेंड है उसका नाम गौरव है। वो घर पर आता है एंड वो एक लेखक होता है। वो बोलती है कि हाँ ये मेरा बॉयफ्रेंड है। वो अपनी दोस्त को बोलती है जिसका नाम प्रियंका उपाध्याय है एंड वो बोलती है कि हाँ वो इसे तो मैं जानती हूँ, ये भी मेरे मतलब मैं इसे लाइक करती हूँ, बट वो इसे लाइक पहले से करती होती है। और वो घर पे आता है और वो बेडरूम में उसे ले जाते हैं, तो वहाँ पे भाई हॉट सीन ही होते हैं। मतलब इसमें हमें हॉट सीन बहुत देखने को मिलेंगे और प्रियंका उपाध्याय उन्हें देख लेती है और वो देख के उनकी भी फीलिंग जाग जाती है। वो जाते जाते गौरव को अपना नंबर दे देती है और वो सारी रात उसके कॉल का वेट करती रहती है। वो अगले दिन भी उसके कॉल का वेट करती है लेकिन उसे कॉल नहीं आता। अगले दिन जब फिर गौरव आता है तो वो उससे पूछती है कि हाँ तुमने मुझे कॉल नहीं किया, तो वो साफ इनकार कर देता है कि मुझे तुमसे कॉल करने के लिए कोई वजह नहीं थी, मतलब तुम्हें मुझे कॉल करने के लिए कोई वजह नहीं थी। तो उसका दिल टूट जाता है और वो फिर से मतलब पूजा के साथ बेडरूम में चला जाता है और वहाँ भी हमें काफ़ी हॉट सीन्स देखने को मिलेंगे। एंड उसके अगले दिन प्रियंका उपाध्याय को पूछती है, मतलब जो उसकी दीदी होती है पूजा, कि तुम ऑफिस जा रही हो। वो बोलती है कि मुझे थोड़ा दर्द है कि मेरा दोस्त आने वाला है घर पे, तो मैं घर पे रुकूंगी और मुझे गौरव का नंबर दे दो, वो दोनों राइटर हैं तो बात कर लेंगे। वो उसे व्हाट्सएप कर देती है और वो उसे कॉल करके गौरव को घर पर बुला लेती है। तो जब गौरव पूछता है कि हाँ तुम्हारा दोस्त कहाँ है, फ़ोन करके पूछो, लेकिन वो बोलती हैं कि हाँ मेरा कोई दोस्त नहीं आने वाला, मैंने तुमसे झूठ बोला है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमसे अकेले में मिलना चाहती थी। और जब उसे पता चलता है कि वो, और वो भी चौंक जाता है कि तुम ये क्या बात कर रही हो, लेकिन वो बोलती है कि हाँ मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, तो बोलता है मैं तुम्हें लाइक नहीं करता, तो वो बोलती है कि हाँ तुमने मेरा नंबर भी तो रखा है। वो चुप हो जाता है और वो रंका उपाध्याय उसे किस कर देती है और वो भी फीलिंग में बैठ जाता है। एंड ऑल्सो गाइस, उसके बाद हमने दोनों का भी रोमांटिक सीन जो है मतलब सीन देखने को मिलेंगे। इसमें काफ़ी ज़्यादा सीन है। और उसके बाद अगले दिन क्या होता है वो भी मतलब उन दोनों की फ्रेंडशिप हो चुकी थी, वो उसका उसके साथ लगाव ज़्यादा हो जाता है प्रियंका उपाध्याय के साथ। अगले दिन फिर वो बीमारी का बहाना बोल के पूजा को बोलती है कि हाँ मैं आज फिर से घर पर रुकूंगी। और जब पूजा को पता चलता है कि हाँ इसे बीमार है, तो वो बोलती है कि डॉक्टर को दिखा लेना। उसके बाद जब वो जाने लगती है तो जो मतलब सीढ़ियों में होती है, तो वो बोलती है कि हाँ मैं फाइल अपनी दीदी के वहाँ भूल गई। वो वापस आती है तो उस गौरव के बारे में पता चल जाता है कि हाँ इन दोनों का कोई गिटमिट हो रहा है, क्योंकि वो फ़ोन पर उसकी रिकॉर्डिंग सुन लेती है। और उसके बाद वो देखती है हाँ मैं रुक जाती हूँ। तो उसके बाद नेक्स्ट डे जब दोबारा फिर से गौरव आता है तो वो उसे बोलती है कि हाँ मैं गौरव से शादी करने वाली हूँ, ये करने वाली। उसके बाद हमें फिर से पूजा एंड गौरव का सीन देखने को मिलेगा। जब पूजा सो जाती है तो उसके बाद गौरव चुपके से उसे छोड़ के प्रियंका के पास आ जाता है, तो उसके बाद हमें उनके सीन्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो पूजा होती है वो जाग जाती है, वो उन दोनों को देख लेती है बेड पे, तो वो चौंक जाती है और वो काफ़ी रोती है। उसे बोलती है कि हाँ तू मेरी बहन थी और तू मतलब तूने मुझसे वादे किए थे कि हाँ साथ निभाऊंगा, ये करूंगा। उसके बाद वो दोनों शर्मिंदा हो जाते हैं। तो ये सब हमें गाइस वेब सीरीज़ में देखने को मिला था। ये इसकी एक्सप्लेनेशन थी, आप इसे गूगल से भी देख सकते हैं कहीं पर सर्च करके। तो ये था इस वेब सीरीज़ में।